जी नेंसी चोड्रो जी यहां लिखिएगा एक है पीनस एनवी वर्सेस वॉम्ब एनवी डब्ल्यू ओ एम बी इन्होंने दोबारा डिस्कस किया है कि हमें जो है इस सारे मसले को अंडरस्टैंड करने के लिए

अब वो जो पीनस एनवी है दैट क्रिएट्स द सेल्फ लव और नार्सिज्म इन वुमेन और यहां से ये यह कहती है कि लव जो है ना वो मर्द और औरत और दोनों के लिए डिफरेंट होता है लिखिएगा कि मर्द क्यों लव करता है और औरत क्यों करती है वो कहते हैं कहती है कि वुमेन लव इन ऑर्डर टू तो बी लव्ड इनहेरेंटली वो नार्सिस्ट है मेन लव इन ऑर्डर टू बी लवड टू कंपनसेट लव उसके लिए क्या है कंपनसेशन है फॉर देयर ओन फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी फॉर देयर जी फॉर देयर ओन फीलिंग्स ऑफ इंफेरियरिटी और उसके बाद मर्द जो है वो लव करता है लव इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर इंस्टिंक्टुअल नीड्स जी लव इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर जी और अब बात करेंगे वॉम एनवी की ये आइडिया है जी कैरन हॉर्नी का वॉम एनवी के ए आर ई एन जी जी उधर ही आ रहे हैं एच ओ आर एन ई वाई इनकी किताब है द फ्लाइट फ्रॉम वुमेनहुड या इनका जो आर्टिकल है द फ्लाइट फ्रॉम वुमेनहुड ये बात करती है यही कि ये कहती है कि औरत के पास ये सारा डिस्कोर्स उल्ट होना चाहिए औरत इज साइकोलॉजिकली सुपीरियर नॉट मर्द व्हाई बिकॉज या तो वो मदर है या उसके पास कैपेसिटी है फॉर मदरहुड मैन ये लिखिएगा

इन्फेरियोरिटी ड्यू टू देर इन एबिलिटी टू बेयर चिल्ड्रन जी और ये एक और कॉन्सेप्ट है ये लिखिएगा ये एलिशिया वर्ल्डस है यह उनका कॉन्सेप्ट है फीमेल सेक्शुअल लिबीडो ए एल आई सी आई ए एलिशिया वेलडेस वी ए एल डी ई एस इन्होंने भी इस चीज की इंपॉर्टेंस पर बात की और इनका यह मानना है ठीक है कि जो वेमेन है वाई दे आर मोर सुपीरियर इसका नाम लिख लें कॉन्सेप्ट का जी ऑटो इरोटिसिज्म ऑटो इरोटिसिज्म एबिलिटी टू फील प्लेयर विदाउट द नीड ऑफ अ सेकंड पर्सन बंदा नहीं ये कर सकता जी एबिलिटी टू फील प्लेयर विदाउट द नीड ऑफ अ अडर्सन एनी वेज जी ये कुछ एडिशनल चीजें थी इस थेरी में वो भी हो गई हैं अब आप लोग इसका जो इस्तेमाल है इसकी मॉडर्न डे रेलिवेंस मैंने कहा है। जितने साइकोलॉजिकल क्राइम हैं सेक्शुअल क्राइम हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम पोर्नोग्राफी टू मैरिटल रेप्स फ्रॉम चाइल्ड हेरासमेंट टू Uh, अपना विमेन हेरासमेंट टू चाइल्ड मोलेस्टेशन ठीक है और ओवरऑल जो कॉजेज हैं पाकिस्तान या ओवरऑल दुनिया में जो कि अटलीस्ट डिस्कस हैं कौन शख्स है अभी भी मर्द है या औरत है जो कभी भी ये बयान करेगा द रीजन ऑफ डिवोर्स बिटवीन मी एंड माय वाइफ इज द नो नोबडी इज गोइंग टू डिस्कस डेट लेकिन ऊपर मसाइल कुछ और होते हैं लेकिन जो साइकोलॉजिकली और सिगमेंट फ्राइड बेचारे के साथ प्रॉब्लम भी यही है नफस्यात का पता चलता है जब लोग बात करते हैं और लोग झूठ बोलते हैं शेम के अंदर आके कौन बताएगा मैंने कहा ना कौन बताएगा ठीक है तो हमारी तो सारी जो टिपिकल जो ये हमारा ईस्ट है इसकी तो सारी मस्किलैनिटी जो है वो है ही फेक मस्किलैनिटी टॉक्सिक मस्किल इसीलिए इंग्रेशन है बंदे में ज्यादा कि वो अपनी उन चीजों को कंपनसेट करने के लिए क्या करता है फिर डोमिनेशन और वायलेंस को यूज करता है डन होगी बात तो ये आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं आप डेटा दें ग्लोबल डेटा दें पाकिस्तान के डेटा दें कि इतना कुछ हो रहा है और इस थेरी के थ्रू चीजों को क्या करें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें अभी आएंगे जी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पर जी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इसके बेसिक पहले लिख लें फंडामेंटल्स क्या हैं जी ये किसी एक सिंगल चीज को ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं मानते देर इज नो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर टू रियलिटीज आर सब्जेक्टिव एंड मैनी फोल्ड देर इज नो फिक्स रियालिटी रियालिटी इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस कॉन्टेक्स टू कॉन्टेक्सट रियालिटी इज इज अ अंटीन्यूटी इज इन फ्लक्स चेंजिंग इवॉल्विंग डायनेमिक मूविंग जी और सबसे बड़ी बात ये दो रीजन की वजह से ये जो थेरी है ये इवॉल्व हुई है उसमें एक रेडिकल फेमिनिज्म और दूसरा सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इन दोनों के रिस्पॉन्स में क्यों सेकेंड वेव वालों का लिखे उन्होंने एक बात कर दी थी कि मर्द और औरत और के दरमियान जो ऑपरेशन है उसकी बुनियादी वजह बायोलॉजी है सेक्सिज्म ठीक है तो ये थेरी जो है पोस्ट मॉडर्निज्म ये सोशल कंस्ट्रक्शन की थेरी है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की थेरी नहीं है और दूसरा रेडिकल फेमिनिज्म वालों ने एक आइडिया दिया था यूनिवर्सल सिस्टरहुड का इफ यू रिमेंबर के जी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं दे हैव अ एक एक इनहेरेंट वो क्या कहते हैं कनेक्शन एंड टू फील एज वन सिस्टरहुड तो इन्होंने कहा था कि नहीं जो खीन जिस कॉन्टेक्स्ट में बैठी है उनकी मसाइल उनकी रियालिटीज उन दूसरों से क्या है डिफरेंट है दे कैन नेवर बी यूनिवर्सली सिस्टर्स ठीक है क्योंकि एक वाइट प्रिविलेज जो फीमेल है सिटिंग इन अमेरिका हाउ वुड शी रिलेट विद नो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ठीक है जी जी तो इन लोगों का कंपेरिजन जो वो बनता नहीं है ठीक है नेक्स्ट आदि जी जी और ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है सारे का सारा सोसाइटी का ठीक है वो मेल सेंट्रिक है और उसमें डिस्कोर्स पावर लैंग्वेज ये सब चीजें जो हैं ये मेल डोमिनेटेड है जिसके थ्रू ये सारा डिस्कोर्स क्या किया गया बिल्ड किया गया और व्हाट वी नीड टू डू वही बात है डी कंस्ट्रक्शन जी डीकंस्ट्रक्शन और इसमें जो है वो आप वो क्या नाम है उनका अभी जिनकी थेरी हमने पढ़ी मिशेल फोको ठीक है उनका वो जो आइडिया है नॉलेज पावर वाला उसको जरूर डिस्कस कीजिए जी उसके बाद इसके कुछ और फीचर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं नंबर वन ये लोग एसेंशियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट फैमिस्ट जो है ये एसेंशियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जेंडर के अंदर एक चीज होती है बाइनरी ऑपोजिशन के तारीख में नाइनटीन एटीज तक या आप औरत हो सकते हैं और या आप मर्द हो सकते हैं तो इन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि नहीं क्योंकि एसेंशियलिज्म लिख लीजिए क्या होती है कि चीजों के अंदर स्टेट इनहेरेंट क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं और चीजें उन्हीं के मुताबिक अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है लिखिएगा थिंग्स कैन ओनली बी डिफाइंड विद इन देयर सरकमस्टांसिस एंड कॉन्टेक्स्ट वो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल लिखिए द इमर्जेंस ऑफ थर्ड जेंडर एल ठीक है वही जो हम टिपिकल वर्ड यूज करते थे मर्द और औरत उन दोनों की जगह पर अब हम क्या यूज करते हैं नाउ वी हैव हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी प्लस कैटेगरी टू डिफाइन कि आप कौन है आप स्ट्रेट हैं आप इंटरसेक्स हैं आप होमोसेक्सुअल हैं है बायसेक्शुअल है ट्राइसेक्शुअल है वट एवर यू आर ठीक है वो आप सब आपके पास कैटेगरीज मौजूद है कि आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं जी नेक्स्ट जी उसके बाद अगली चीज है एक खातून है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, इनका नाम है साइकस जी ये भी राइटिंग के ऊपर ही बात कर रही है, ये समझती है कि जो लैंग्वेज है ये चूंकि मेल डोमिनेटेड है ठीक है इसीलिए जो दुनिया में जितना लिटरेचर और हिस्ट्री या राइटिंग भी प्रोड्यूस होती है वो भी क्या है मेल ऑरियंटेड और उसमें इन्होंने बात की है कि वो लीनियर है और ऑपोजिशन यानी कि बाइनरी में मर्द हमेशा बात किसमें करते बाइनरी में बात करता है तो वो आप नॉवल पढ़ रहे होते हैं कुछ भी पढ़ रहे होते आपको नहीं पता होता लेकिन आपका जो माइंड है वो उसी हिसाब से क्या हो रहा होता है शेप हो रहा होता है जी नेक्स्ट जी एक और इनका आइडिया है लोगोसेंट्रसिज्म लोगोसेंट्रसिज्म इसके मुताबिक ये है कि वेस्ट के अंदर ना जी एक ट्रेडिशन है जी के जितने भी वर्ड्स हैं और लैंग्वेज है जितना भी रिटर्न प्रोज है वट एवर फॉर्म जिस फॉर्म में मर्जी है ये कहते हैं कि वो दुनिया में ना सुपीरियर मान लिया गया कि जो कुछ वेस्ट के प्रोज में लिखा हुआ है ना रियलिटी को बयान करने के लिए वो क्या है वो सुपीरियर है तो पोस्ट मॉडर्न फेमिज्म आपको पता है कि ये स्कूल ऑफ थॉट ही वो है जिसने मार्जिनलाइज ऑप्रेस्ड जैसे काले हैं कोई माइनॉरिटी में है कोई कुछ है उन लोगों का थर्ड जेंडर है ठीक है उन लोगों को आवाज दी है दैट मींस कि उनका भी रियलिटी पर क्या है उतना ही हक है कि वो अपने लिए रियलिटी को क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं ठीक है ठीके? जी नेक्स्ट फेलोसेंट्रसिज्म जी fallocentrism p h a l l o c e n t r i s m g prioritizing of the male perspective when analyzing society and social relations g prioritizing g prioritizing of the male perspective

कौन सी चीज के ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया अभी बात की हमने पीनस एनिमी यानी कि चीज को देखा ही किस नजरिए से बॉय के नजरिए से कि समथिंग विच हैज एंड अ गर्ल हैव डैट मींस के यहां से एक सुपीरियर हो गया और एक कौन हो गया इनफीरियर होगा डैट मींस के आप सारी जो दुनिया है का नजरिया है जो एनालिसिस है वो किसके गिर्द रख के कर रहे हो मेल के इर्द गिर्द रख के कर रहे है बॉय के इर्द गिर्द रह के इसको बोलते हैं हम फेलो तो सेंट्रसिज्म भी ये लोग क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं। जी नेक्स्ट फिर ये रिजेक्ट करते हैं कि दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जेंडर के रिलेटेड नहीं है हर शख्स का एक्सपीरियंस दूसरे से क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है एंड हर औरत को चाहे वो किसी क्लास से किसी चीज से उसको अलाव होना चाहिए कि वो अपने आप को क्या कर सके पब्लिक स्फेयर में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके रियालिटी इज वट यू मेक आउट ऑफ इट डेट्स इट दर इज नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो आपका एक्सपीरियंस है यू कैन सिंपली से माई रियालिटी जी नेक्स्ट इनका जो फोकस है वो है फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड पावर रिलेशनशिप यानी कि ये किसी एक सिंगल फैक्टर को जी एक सिंगल फैक्टर को ये लोग जो हैं किसी आपकी रियलिटी की कॉज नहीं मानते ये कहते हैं इंसान सरकमस्टेंशियल होता है लिख लीजिए वो कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशंस की क्या है पैदावार है और उसका मतलब है कि उस वो जो भी बना मर्द या औरत उसके अंदर उसकी रेस का उसकी क्लास का उसकी सेक्सुअलिटी का उसके रिलीजन का उसकी नेशन का उसकी क्लास का सब चीजों का क्या है मिक्सचर uh, है रोल है जी और इसका जो प्रैक्टिकल साइड है उसमें आप खास तौर पर जो क्वेर थेरी की डेवलपमेंट है क्वेर वर्ड जो है या आपकी जो एक ट्रेडिशनल जेंडर बाइनरीज ब्रेक हुई जो टिपिकल बाइनरी थी मर्द और औरत वाली वो ब्रेक हुई तो उसके अंदर से क्या निकलता है अभी आज के दौर की बात कर ले दुनिया में जितनी भी अभी आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट चल रही है इन पर और पर्टिकुलरली एल क्यू मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी आर द ऑफ शूट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमुनिज्मी बात ठीक है अच्छा जी अभी आ जाएं बात करेंगे रेडिकल फेमिनिज्म जी रेडिकल फेमिनिज्म जो है जी इनके मुताबिक पहला आइडिया सेक्सिज्म डैट इज द कोर कॉज ऑफ ऑपरेशन एंड सप्रेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन और सेक्सिज्म क्या है मैनज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वुमेन्स बॉडी हर सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल चॉइसेस हर सेक्स हर सेक्सुअलिटी हर सेक्सुअल चॉइसेस कंप्लीट कंट्रोल नंबर कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्टिव लाइफ कब बच्चे पैदा करने कितने करने क्यों करने ब्ला और दूसरी बड़ी जो चीज जो ये समझते हैं रेडिकल फेमिनिज्म वाले कि जो औरत के ऊपर जो है वो मुसलत है जिसकी वजह से उस पर कब्जे एंड दैट इज ऑल द इंस्टीट्यूशन द स्ट्रक्चर द कल्चर एवरी थिंग इज पेट्रिया और यहां से ही तीसरी चीज कि वुमेन आर ओप्रेस्ड ओनली बिकॉज दे आर वुमेन यानी कि आपका जो सेक्स है वो एक ट्रिगर पॉइंट है कि जी आप औरत हैं बस यू आर सब्जेक्ट टू सप्रेशन एंड ओप्रेशन जी एक और इनका आइडिया है रेडिकल फेमिनिज्म का पर्सनल इज पॉलिटिकल अब इससे पहले पता क्या था चूंकि लिबरल फेमिनिज्म का बड़ा असर था तो जो चीज एक सोसाइटी में कलेक्टिवली हो जाती थी ना उसको तो इंडोर्स कर दिया जाता था कि हाँ जी ये कुछ हो रहा है मसलन अभी भी सौ लोग बैठे हैं ना तो अगर हम कह जी किसी के साथ मैरिटल रेप हुआ है तो शायद करोड़ में से एक खातून निकलेगी लेकिन अगर, अगर आप रूटीन में पूछेंगे जी आपको पाकिस्तानी सोसाइटी में कभी जिंदगी में एक आध दफा कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा है तो मेरा ख्याल है एवरी वेमेन और एवरी अदर कैन रिलेट कि क्या ये हो सकता है ठीक है तो इसलिए फिर ये नारा लगा कि वट एवर है प्राइवेट स्पेस आइदर यू आर रेप और वट एवर यू वे इट इज नॉट प्राइवेट एनी मोर इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक पब्लिक स्क्रूटनी एंड डिस्कशन पर्सनल इज पब्लिकल ठीक है और ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसके दौरान ये नारा जो है वो लगाया गया और खातन को इंकरेज किया गया कि वो अपनी सेक्शुअलिटी अपनी सेक्सिज्म अपनी सेक्शुअल चॉइसिस उनके बारे में क्या करें टिंग अबाउट इट ठीक है क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में ट्रेंड है ना ये ही किसी हद तक यूरोप में भी था ठीक है जैसे हम एक आइडियलाइज करते हैं हाउ शुड बी आइडियल सॉरी आइडियल वाइफ शुड बिहेव सेक्शुअली ठीक है an, an women, uh, sorry, तो वी एक्सपेक्ट हर टू बी एन पैसिव सेक्शुअल ऑब्जेक्ट ठीक है तो उसमें जो खातीन का परस्पेक्टिव है वो फिर कभी भी नहीं आ पाता ठीक है अब तो आप यकीन कर ले। लेडी डॉक्टर के पास आप बैठे और खातून बात कर रही है किससे खातून से तो वो भी बेचारी शर्मा के पूछ रही होती आपने आखिरी दफा अपने से सलाम दुआ कब की थी अबे भाई समझ भा? आप उस औरत बेचारी वो पहली अनपढ़ औरत है ठीक है आप ऊपर से वर्ड क्या यूज कर रहे है? सलाम दुआ कर? अबे सलाम दो वो कह रही है दिल करे तो कह रही अभी करके आई हूं बाहर खड़े हुए सही मतलब एक लाहौर जैसे शहर में ठीक है एक पचास साल खातून है वो प्रैक्टिसिंग वो पच्चीस साल से वो गायनी की वो प्रैक्टिसिंग वो औरत है और उसकी लैंग्वेज चेक करें क्या खान और भी लफ्ज हैं वो इस्तेमाल होते हैं वो आप सब समझदार हैं ठीक है तो मतलब मैं हंसता हूँ इस तरह की वो बात सुन के ना कि ये लोग ये यही है कॉन्शियसनेस जो लोग ये लोग शेप करते हैं मतलब आपने उसको यकीन दयानी करा दी कि जिस मर्द के साथ तुमने कलमे शलमे पढ़ के भी तीन बच्चे पैदा कर लिए ना और जिस प्रोसेस के थ्रू किए नाम नहीं लेना ठीक है ना वो आराम है ठीक है उससे जो करेक्टर खराब हो जाएगा एनी वेज नेक्स्ट यूनिवर्सल सिस्टरहुड जी यूनिवर्सल सिस्टरहुड इसमें इन्होंने बात की कि वुमेन एक सोशल ग्रुप है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी कलर का किसी रेस का कुछ का ठीक है यूनिवर्सैलिटी ऑफ इश्यूज है तो देर इज एग्जिस्ट अ यूनिवर्सल सिस्टरहुड फिर इनका जी आइडिया है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर ये बड़ी सख्ती करते हैं इसके ऊपर डेट इज वाई इट इज कॉल्ड रेडिकल बिकॉज रेडिकल का मतलब होता है किसी चीज की ना कोर पे बेसिक वो चीज जिस पर रिफॉर्म नहीं हो सकती बल्कि उसको उखाड़ के बाहर फेंकना पड़े और उसकी जगह नया स्ट्रक्चर क्या करना पड़े लॉन्च करना पड़े तो इनके मुताबिक द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज मैरिज अकॉर्डिंग टू द रेडिकल जी लिखिएगा जरा इसमें ये कहते हैं कि मैरिज एक पेट्रियॉरिकल इंस्टीट्यूशन है ये आराम से सिमिलेट कर देते हैं इस, इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के थ्रू औरत को एज आ मर्ज प्राइवेट प्रॉपर्टी फिर वो इस लिजिटिमेट हक के तहत उसकी बॉडी और सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल लेते फिर उसके रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव राइट्स को कंट्रोल करते और उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नीड्स हैं उनको क्या करता है सेटिस्फाई करता है जी उसके बाद चिल्ड्रन के ऊपर इनका एक मौकफ है ये कहते हैं कि अगर राइट टू हैव चिल्ड्रन ये आपका राइट right है तो औरतों के पास हक है कि वो ये भी तय कर चिल्ड्रन right तो तो इसलिए कोई बात नहीं है, ये, अगर मर्द ये लेता है तो वो ऑटोनमस और फ्री है और अगर औरत ये डिसीजन लेती है तो वो करेक्टर लेस है ऐसा हम कबूल नहीं कर सकते शुड बी हर चॉइस ठीक है उसके बाद जी फिर वो जो नारे वो भी इन्हीं कही है रेडिकल फेमिनिज्म का माई बॉडी बिलोंग्स टू मी मेरा जिस मेरी मर्जी ये है ओनरशिप ऑफ वंस बॉडी वंस कंप्लीट ओनरशिप ऑफ वंस सेक्सुअलिटी सेक्सुअल चॉइसेस एंड रिप्रोडक्शन लाइफ चार चीजें हैं बॉडी सेक्सुअलिटी सेक्सुअल चॉइसेस एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स फिर ये लोग वायलेंस के ऊपर बड़े कलेर हैं रेडिकल फेमिनिज्म समझती है कि जो पेट्रियर्की है ना वायलेंस इसके अंदर इनग्रेड है इनहेरिड है वायलेंस इज इनग्रेड एंड इनहेरिटेड विद इन द पेट्रियार्की बिकॉज कंट्रोल करना ही करना है इधर सॉफ्ट वे में या वायलेंट वे में जी फिर ये स्टेट और रिलीजन के बारे में भी बड़े क्रिटिकल है इन दोनों को भी ये पेट्रियारकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं फैमिली और ये कहते हैं कि फैमिली स्टेट और रिलीजन जो है ये एक है, है of oppression. क्योंकि इनका मानना है कि जो यूरोप के अंदर ट्रेडिशनली चर्च है उसने भी मर्द के हक में ही अपने आप को झुकाया है और औरत को रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ही वो रखा है और इसी तरह जो स्टेट्स हैं उनके बाकायदा जो लॉज हैं आज भी अमेरिका जैसे मुल्क में Uh, जो अबॉर्शन लॉज हैं, वो हर स्टेट के अंदर लॉज नहीं है यानी कि अबॉर्शन इज स्टिल नॉट अ फंडामेंटल राइट इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है तो ये स्टेट के लॉज को उसकी पॉलिसीज को भी समझते हैं कि वो पेट्रियॉर्कल इन नेचर है और दे फेवर मेल जो डोमिनेंस है ओवर दुमेन टनोगी बात ठीक है टाइम क्या हो गया ठीक है तो अभी विल टेक अ ब्रेक ठीक है और तकरीबन दस से पंद्रह मिनट की ब्रेक करते हैं एंड देन विल गेट बैक और फिर आगे काम करते हैं दानों की बात ठीक है थैंक यू जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी जी ब्रेक ले लिए नमाज वमाज पढ़ लें खाना शाना खा लें जो भी है बारह मिनट बाद बारह मिनट चले तो ये क्वेश्चन हम करेंगे सोशल uh, कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है वहां से एक थे ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर और साथ एक और भी इसके लिंक्ड क्वेश्चन है दो कर लेंगे तो ये पूरा एरिया हमारा कवर uh, हो जाएगा लास्ट <laughs> टाइम uh, उसने एक नोट भी दिया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे ठीक है तो वो फिर पूरा आपका बन जाएगा चलें जी ये आप इसको लिख लें थ्योरेटिकल प्रस्पेक्टिव ऑन जेंडर या थे ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर तो सबसे पहले जी हम लिखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली ये सोशोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट है ठीक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और इनका पहला फंडामेंटल्स लिख लें ये कहते हैं कि जो सोशल रियलिटी है ठीक है ये कंपोज ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर्स, और वो जो स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशन है वो एक पार्टिकुलर वे में कंस्ट्रक्ट हुए हुए बिल्ड हुए हुए और हर जो स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर के अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटिव है ईच पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज लिंक टू पार्ट लाइक ह्यूमन बॉडी तो एक पूरी बॉडी डिवेलप करते हैं इसी तरह मुआरा भी जो है वो ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उनके उन साथ मिलकर बना हुआ है और हर जो स्ट्रक्चर है इट हैज अटन एंड स्पेसिफिक फंक्शन टू प्ले जी और इसी को जब हम जेंडर पर लगाते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में तो वो यही बात करते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होता है और उसकी जो सारी जिंदगी की जो सोशलाइजेशन है वो सारी जिंदगी की जो सोशलाइजेशन है वो उसी स्ट्रक्चर्स के अंडर होगी और उन स्ट्रक्चर्स के ऑलरेडी क्या होंगे डिफाइंड

ठीक है दलीलें हजार है ना औरत को इस बात पर कन्विंस करने के लिए कि यू मस्ट बी डोमेस्टिकेटेड बिकॉज यू हैव दिस 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 फंक्शन टू प्ले परफॉर्म या प्ले ठीक है इसी तरह फैमिली की बात है फैमिली सिस्टम का भी एक फंक्शन है वो डिवीजन ऑफ पावर करता है डिवीजन ऑफ लेबर करता है डिवीजन ऑफ रिसोर्सिस करता है डिवीजन ऑफ रोल्स करता है डिवीजन ऑफ लेबर करता है डिवीजन ऑफ रोल्स डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ जो है वो लेबर किस बुनियाद पर करता है जो भी एक जेंडर के एतबार से जो कैटेगराइजेशन है और उसमें मर्द के पास क्या आता है पब्लिक सफेद और और औरत के पास क्या आता है डोमेस्टिक सफेद या प्राइवेट सफेद दूसरी थेरी लिखें जी कॉन्फ्लिक्ट थेरी कॉन्फ्लिक्ट थेरी जी ये जरा मार्क्सिस्ट कह लें जो लाइन है उसके साथ आपने इसको जरा मिला के सोचना है इनके मुताबिक भी जो सोसाइटी है उसके अंदर देर इज अंटिन्यू स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं चाहे वो कोई क्लास है या जेंडर है या रेस है या कोई भी है जी दे आर इन अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस ओवर ईच अदर नंबर टू सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट वेन वन ग्रुप एक्सप्लाइट दी अदर ग्रुप जो सोशल एंगजाइटी है सोशल कॉन्फ्लिक्टूज है वो स्टार्ट कब होते हैं जब वन ग्रुप जो होगा वो दूसरे ग्रुप को क्या करेगा एक्सप्लाइट करेगा और इसके अंदर हम कोर्ट करेंगे फ्रेडरिक एंजल्स को और आप सबके पहले भी बात हो चुकी है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में भी कि जिस तरह फैक्ट्री के अंदर एक ओनर का और वर्कर का रिलेशनशिप है मास्टर और स्लेव का उसी को फिर इन्होंने जब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पर हम अप्लाई करते हैं तो उससे पता यह चलता है कि जो हाउसहोल्ड है वो भी फैक्ट्री से मुख्तलिफ नहीं है उसके अंदर भी वही सेम जो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर का रिलेशन है मास्टर और स्लेव का रिलेशन है वो मर्द और औरत के दरमियान जो है वो विद इन द हाउस होल्ड क्या है ठीक है और औरत की जो सबॉर्डिनेशन है उसकी क्रिएशन ही यहां से होती है कि उसको मर्द जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप एज अ डोमिनेट सोशल ग्रुप जो है वो क्या करता है एक्सप्लाइट करता है एंड दैट इज वेयर द अपना जो एक कह लें कि ऑपरेशन ऑफ द वमेन एंड वट वी कॉल द सोशल कॉन्फ्लिक्ट थे तीसरी जी फैमिनिस्ट थे तो ये सबसे इजीएस्ट है यही आप पढ़ जितनी भी आपने पांच वो पढ़ी है वो सारी की सारी क्या है बेसिकली फेमिनिस्ट है तो इनके बारे में भी एक वन लाइनर ले ले जी कि मेन एंड वुमेन जो है वो बोथ कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर अबाउट सेल्फ और वो स्ट्रक्चर्स इन इक्वालिटीज के स्ट्रक्चर होते हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल हर हवाले से ठीक है एक इन इक्वालिटी जो है वो औरत अपने लिए और मर्द अपने लिए जो वो क्या करता है, क्रिएट करता है अपने सेल्फ को अपने रोल को डिफाइन करता है जी नंबर फोर सिंबोलिक इंटरक्शन अच्छा ये भी सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव है सोशोलॉजी जिनका है उन्होंने पढ़ा होगा ये कहते हैं कि जो सोशल रियलिटीज है ना ये सिंबल्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट होती है। जी सिंबॉलिक ह्यूमन बीइंग्स जो है वो आपस में सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और सिंबल चेंज हो जाए तो सारा डेफिनेशन और मीनिंग क्या हो जाता है चेंज हो जाता है जी वो सिंबल्स जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिलेशन का नाम रखा हुआ है ब्रदर सिस्टर हजबेंड वाइफ ठीक है तो जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में आके चीजों को देखते हैं उस लेबल के साथ तो वो सारे का सारा जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है ठीक है और इसमें ये कहते हैं कि जो मस्कुलैरिटी है और फेमिनिटी है ये भी क्या है ये सिंबल्स हैं एक्सप्रेशन हैं जिसके थ्रू वी इंटरक्ट विद ईच अदर और जो जेंडर वर्ड है यही वो सिंबल है जो हम सारी जिंदगी एक्ट करते हैं परफॉर्म करते हैं डू करते हैं जी नंबर फाइव साइको एनालिटिकल थेरी मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी हमारी बनती नहीं है ठीक है इस पे हमने पूरा जो है वो क्वेश्चन अभी कर लिया नंबर सिक्स सोशल लर्निंग थेरी सोशल लर्निंग थेरी जी ये थेरी कहती है कि बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो बिहेव एज पर देर लर्नर्ड जेंडर जी अगर आप कंफर्मिटी करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा और अगर आप डेवियंस करेंगे तो आपके लिए क्या है पनिशमेंट है और इसीलिए इसका मकसद क्या होता है कि जो जेंडर अप्रोप्रिएटिव बिहेवियर्स हैं उनको री किया जाए नॉर्मलाइज किया जाए और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का मॉडलिंग का चिल्ड्रन डू वट दे सी डूइंग अदर्स लास्ट इस साल मेरा ख्याल स्पेशल सीएसएस में या पिछले साल वैसे भी एक ऐसे भी आया था कि ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट तो उसको जो सॉल्व करने का कह लें लाइन है जिस पर आपने सोचना शुरू करना है ना ठीक है वो ये है कि आप अगर किसी को कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो आपको प्रीच करना जरूरी नहीं है आपका उसको एक्ट करना जो है वो इसीलिए मैं अक्सर हम क्लास में बात करते हैं ना कि हमें झूठ बोलना कभी किसी ने सिखाया नहीं है पर हमने देखा जो है वो क्या होता है वो वो झूठ बोलते हुए देखा होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है राधर देन की आप किसी को सिखाएंगे तो ये बेसिकली इट इज के जो बच्चे हैं वो वट दे सी दे उसी बिहेवियर को वो क्या करते हैं मॉडल करते हैं नेक्स्ट कोग्नेटिव सोशल लर्निंग थेरी जी ये कहते हैं जो बच्चे हैं वो इन्फ, री एनफोर्समेंट पनिशमेंट इमिटेशन इन सबके थ्रू जो सोशल वैल्यूज हैं, या जो अपना जेंडर का रोल है उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और वहीं से डिफाइन होता है ये कोटेशन आप लिख लें जी कोटेशन ले लें आवर बिलीव अबाउट आवर अबिलिटी टू अकंपलिश समथिंग बिलीव अबाउट आर अबिलिटी टू अकम्पलिश समथिंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटकम इसकी सिंपल एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैरियर चॉइस जी के जब आप मुसलसल सोसाइटी में देखेंगे एक औरत खीन क्या क्या करती है मेरे घर में क्या नॉर्मल है हमारे कल्चर में क्या नॉर्मल है तो उसका जो कैरियर चॉइस होगी वो भी लार्जली उसको लगेगा कि वो फ्री थिंकिंग कर रही है हालांकि वो जो एग्जिस्टिंग लर्निंग मॉडल है जो उसके माइंड में आ चुका वो उसी के मुताबिक कंडीशन हो चुकी है जी नेक्स्ट जी ये लिखें ये कोलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जी कोलबर्ग के ओ एच एल ई आर -E जी पॉस्ट्रोफी एस कोलबर्ग्स जी मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट तो ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो तीन स्टेजेस में या ओवरऑल इंसान तीन स्टेजेस में सोसाइटी से अपनी मॉरलिटी लर्न करता है पहली स्टेज पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी प्री कन्वेंशनल मोरलिटी ये वो टाइम होता है जब आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड यानी कि आप उसकी वो कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी पनिशमेंट एंड रिवार्ड जी लेवल टू कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल टू कन्वेंशनल मोरालिटी जी इसमें आप क्या करते हैं जी आप अथॉरिटी ओरिएंटेशन है बच्चा उतनी देर तक एक रिजिड कंफर्मिटी टू द लर्नड बिहेवियर वो कर चुका होता है वो खुद से प्रैक्टिस करना शुरू हो चुका होता है और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी ये वो स्टेज होती है जब बच्चा जो है वो अपनी खुद की एक मॉरल कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेता तो। है उसको पता चल जाता है कि जब मैंने अगर सोसाइटी में रहने तो मुझे खुद के लिए कोई ना कोई मॉरल ऑर्डर जो है वो डिवेलप करना पड़ेगा यानी कि इंडिविजुअल सेल्फ अच्छा इसमें एक फर्क है ये कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस ये वाले जो स्टेज है और ये बहुत रेर 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 लोगों में डिवेलप होती है वरना जो मेजोरिटी लोग हैं वो पहली दो स्टेजेस पर ही रहते हैं और वो दोनों स्टेजेस में आपका अपने ऊपर कोई अख्तियार नहीं होता जी नेक्स्ट अच्छा जी अब एक सेकंड जी अब इसमें एक और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में आप इसका जो ट्रीटमेंट है जो जूडिथ लॉर्बर ने किया है ठीक है वो स्ट्रक्चर ले लें कि जब भी सोशल कंस्ट्रक्शन पर सवाल आता है जेंडर या पाकिस्तान को वो कहे कि जी पाकिस्तान के ऊपर बताएं तो आप ये थ्री लेवल्स का जो एनालिसिस है ये यूज करें जो जूडिथ लॉर्बर ने देखा है नंबर वन जेंडर एज अ प्रोसेस जेंडर एज अ स्ट्रेटिफिकेशन और जेंडर एज अ स्ट्रक्चर तीन चीजें जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के अंदर ही हम बात कर रहे हैं कि जेंडर वर्ड को हमने कितने लेवल्स पर देखना है थ्री डायमेंशन में देखना है जेंडर एज जेंडरिंग एज अ प्रोसेस जेंडरिंग एज अ स्ट्रेटिफिकेशन और नंबर थ्री जेंडर एज अ स्ट्रक्चर जी तो इसमें इनकी जो थोड़ी डेफिनेशन है वो ले लें कि व्हेन वी से जेंडर एज अ प्रोसेस तो उससे हमारा क्या मुराद है जी लिखिएगा इसको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिस्टिंग्विशेबल जी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिस्टिंग्विशेबल सोशल स्टेटसिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिस्टिंग्विशेबल सोशल स्टेटसेस फॉर द असाइनमेंट ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसा तरीकाकार ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप बच्चे को न्यूट्रल को डालेंगे तो वो कुछ अरसे के बाद इस तरीके से शेप हो जाएगा कि वह बतौर मर्द और औरत माशरे के अंदर मौजूद अपनी जिम्मेदारियां अपने हकूक और फरज को उसी तरीके से क्या कर लेगा अंडरस्टैंड कर लेगा दूसरा जी इट क्रिएट सोशल डिफरेंसेस डेट डिफाइन वट इज वुमेन एंड वट इज मैन जी और उसके बाद तीसरी स्टेज पे क्या होता है वी एक्ट एक्सपेक्ट एंड रिएक्ट एज पर that प्रोसेस हम खुद भी उसी तरह काम करते जो अपना बच्चा हो रहा होगा उससे भी वही एक्सपेक्ट करते और अगर हमारे साथ कोई गुफ्तगु करे तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो भी बिल्कुल जैसे आप कह देते हैं बड़ा नॉर्मल लड़कियों से आपने ये बात क्यों कर दी है या वो तुम्हें नहीं पता था खवतिन बैठी थी और आपने वो बात क्यों कर दी तो वी नॉर्मलाइज वो दो पैटर्न के जिसके अंदर हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि ये मर्द के लिए और ये औरत के लिए और इसी एतबार से हम कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और डी कंस्ट्रक्ट भी करते इसकी एग्जाम्पल्स लिखें जैसे सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि किसी औरत के लिए गुड मदर होना ये उसके औरत होने की क्या है एक हाईएस्ट, है, हाईएस्ट पीक है इसी तरह मर्द के लिए एक अच्छा प्रोडक्टिव मेंबर होना प्रोड्यूस करना कामयाबी जिसको आप कहते हैं कामयाब मर्द कौन है ठीक है जो जो जिसकी एबिलिटी और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है वो क्या हो चुकी होती है uh, मैक्स जिसके ऊपर फिर हम थोड़ा वो करते हैं uh, फखर लेते हैं ना कि क्या बात जिसको आप कहते हैं अल्लाह का क्या हो गया करम <coughs> जी नंबर टू जेंडर एज अ स्ट्रेटिफिकेशन अब स्ट्रेटिफिकेशन का जो वर्ड है इट सेल्फ इट से लॉट कि यहां पर हम बात करेंगे कि अब जेंडर पहले था कि हम बने कौन मैं मर्द कैसे बना आप फॉर एग्जाम्पल औरत कैसे बने अब अगली बात कि इसका इन इन दोनों जो मर्द और, और औरत है इनका रिलेशनशिप क्या इक्वल है या डिफरेंट है तो मेरा ख्याल अनुलटिफिकेशन का मतलब है चीजें हरारकी में होती और जो चीज भी हरारकी में होती है कोई ऊपर होती है या कोई आगे होगी और कोई पीछे होगी तो ये लिखिएगा वो कहते हैं कि जो जेंडर है इट रैंक रैंकिंग की बात करने लगे जेंडर रैंक दोशल स्टेटस इज अनुअली कोई बात नहीं है बच्चा पैदा होगा तो उसने मर्द या औरत की जो कॉन्शियसनेस है वो लेनी ही लेनी देर इज नथिंग रॉन्ग इन बींग मैन और वुमेन प्रॉब्लम कहां पर है जब आप उस रैंक को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए टू स्ट्रेटिफाई द सोसाइटी हु इज सुपीरियर एंड हु इज इनफीरियर तो जी रैंकिंग होती है सोशल स्टेटसिस की बेस्ड ऑन द इक्वल और इसमें इस रैंकिंग में, इस में क्या है मैन आर प्लेसड अबव वेमेन मैन आर प्लेस्ड अबव वेमेन जी और फिर रही सही जो कसर है वो सोसाइटी में और भी तो इन्हीं क्वालिटीज के मार्कर्स हैं ना सिर्फ जेंडर नहीं रेस क्लास नेशनैलिटी एथनिसिटी उनको ऐड कर लीजिए तो सोसाइटी में आपको पूरी सोसाइटी एक हेरार्कल स्ट्रक्चर में नजर आएगी कि हु इज सुपीरियर हु इज इनफीरियर हु इज मोर इनफीरियर इनफीरियर हु हु इज मोर 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 इज सुपर इलीट इज सुपर सुपीरियर तो सारा स्ट्रक्चर सोसाइटी में बन जाएगा दैट इज इज हाउ जेंडर यूज्ड एज अ स्ट्रेटिफिकेशन नंबर 3 जेंडर एज अ स्ट्रक्चर तो इसमें ये लिखते हैं कि जेंडर इज अ मेजर बिल्डिंग ब्लॉक इन द सोशल स्ट्रक्चर जी जी जेंडर इज अ मेजर बिल्डिंग ब्लॉक इन द सोशल स्ट्रक्चर्स जी और इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर डिवीजन ऑफ लेबर होती है होम का वर्क औरत के पास और इकोनॉमिक अथॉरिटी वो किसके पास मर्द के पास और एंड प्रोडक्ट क्या होता है सोसाइटी के अंदर पाँच चार चीजें तकसीम हो रही होती हैं हर वक्त जिसके लिए मैं आप सब रिगार्डलेस ऑफ जेंडर मेहनत कर रहे होते हैं पावर प्रस्टीज ऑपरचुनिटीज राइट्स तो जब आपने स्ट्रेटिफाई कर दिया तो इसका मतलब है जो फर्स्ट राइट right है बाय डिफॉल्ट राइट है वो किसका है वो सुपीरियर का होगा ना तो इस स्ट्रेटिफिकेशन में या स्ट्रक्चर में सुपीरियर कौन है मेल है तो उसका हक जो है वो इन चीजों पर पहला कंसिडर होता है औरत किस नंबर पर आएगी दूसरे नंबर पर आएगी डन होगी बात जी ठीक है अच्छा जी उसके बाद आ, अच्छा जी इसमें आप लोग एक और चीज भी लिख सकते हैं लिख लें ये भला ठीक है कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सोशल एक्टर्स कौन कौन इन्वॉल्व है पूरा जो प्रोसेसिंग होती है वो किस सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है एंड व्हाट इज सोशलाइजेशन उसके एजेंट्स हैं ठीक है ये वैसे ही बड़ी काम की चीज होती है किधर भी आप फंसे ना एक चीज कैसे निकल, निकलना है वहां से तो आप इन एजेंट्स का सहारा ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनका ही रोल है ना हर चीज के अंदर तो कौन कौन से एजेंट्स सोशलाइजेशन लंबी फहरिस्त है जो एक बायोलॉजिकल सेल्फ को किसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटू अल से ट्रांसफॉर्म करते हैं जेंडर में तो दिस होल प्रोसेस ऑफ जेंडरिंग इज डन थ्रू द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन लिखते जाएंगे फैमिली है मॉस्क स्कूल पीयर ग्रुप्स लैंग्वेज सिंबल्स रोल्स जॉब्स पॉलिटिक्स रिलीजन पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया सोशल मीडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जी ठीक है चलें जी ये एक और क्वेश्चन हम करेंगे अभी कोटा के ऊपर जेंडर बेस्ड जो कोटा है उसके ऊपर करेंगे लिखें जी जल्दी करें जरा पहले इसकी टाइप्स लिखें लेकिन इसके लिए पहले एक बात जेन में रख लें कि ये जब भी कोटा की बात आएगी ना तो आपके माइंड में सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म आना चाहिए इसको जरूर आप इस अम्ब्रेला के अंडर आप कोटा को डिस्कस करते हो लोगों को आइडिया नहीं होता इस चीज का ना कि हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं थियोरेटिकली इस अम्ब्रेला के अंडर होगा क्यों भला क्योंकि आप सब चले इसी बहाने लिबरल फेमिनिज्म भी थोड़ा सा हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये आसान भी है ये समझते हैं कि मर्द है या औरत है वो क्या है रैशनल है फ्री एजेंट्स हैं और दे कैन डिटरमिन फॉर देम सेल्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकते हैं ठीक है बस उनके लिए एक ही मसला है कि उनको इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी नहीं मिलती तो अगर इनको ये मिल जाए इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी तो फिर ये लोग अपने अपने जो औरत के मसाइल हैं वो क्या हो सकते हैं हल हो सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज कि अगर सबको आज शॉर्टी भी दे दी जाए इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी की तो जो आप सबके अंदर एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ है जो सिस्टम के अंदर इन क्वालिटीज है उसका दावा कौन करेगा छोटी सी मिसाल ले लेते हैं सी एस एस में हमने कोटा सिस्टम रखा हुआ के जी सिंध के बच्चों का आप बलुस्तान के बच्चों का अब वो एक तरफ से देखो तो बड़ा लुकरेटिव है के जी उनका एजुकेशन सिस्टम जरा अच्छा नहीं है वो ये ये मसाइल है तो उनको कंपनसेशन देने के लिए हमने क्या कहा हुआ है कि आप डबल कंपटीशन कर सकते हैं एक आप ऑल पाकिस्तान कंपीट करें मेरिट पर और एक आप कंपीट करें विद इन द प्रोविंस ठीक है तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग लेकिन क्या इस चीज से सिंध का या बलोचिस्तान का या किसी भी जगह का जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम है क्या ये इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ ठीक है इसका मतलब अगर वो इंप्रूव नहीं हो रहा ना तो फिर कोटा आप दे के शायद वो फायदे की बजाय कलेक्टिवलीशरे का क्या कर रहे हैं नुकसान या तो और याद रखिएगा जो ये एग्जिस्टिंग इन हैं ठीक है यानी कि ये डायग्राम भी बना सकते हो आप कि इन दोनों को इक्वालिटी ऑफ क्या है ऑपरचुनिटी तो है ठीक है लेकिन इसका ये जो इंटरनल डेफिसिट है इसका जिम्मेदार कौन है ये कैसे पूरा करेगी तो फिर नीचे से इसको क्या लगाते है? लगाते हैं हैं सीढ़ी कोटा की शक्ल में कि आप अब इसको तो नीचे नहीं ला सकता ना बंदा ठीक है तो इसको इसके बराबर करने के लिए नीचे क्या लगा देंगे सीढ़ी इस सीढ़ी को क्या बोलते हैं कोटा बोलते हैं ठीक है थीके? और ये लिबरल फेमिनिज्म या लिबरलिज्म के अंडर एग्जिस्ट कर सकता है क्यों लिख लीजिए स्ट्रक्चरल की कंपनसेशन के तौर पर क्या आता है कोटा आता है ये सीएसएस का कोटा हो या विमेन का कोटा हो इन पॉलिटिक्स इनकी रेशनैल ये है फिलोसफी ये है। डलोगी बात ठीक है और एक चीज और ऑलवेज कीप इन माइंड कि इट इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन दुनिया में कहीं भी जो कोटा है वो परमानेंट नहीं रखा जाता कोटे की एक मुद्दत होती है कि यार हम 10 साल कोटा रखेंगे 20 साल ताकि उतनी देर में मौका मिल जाए कि जो इनहेरेंट इन इक्वालिटीज हैं सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल इन इक्वालिटीज उनको क्या किया जा सके पूरा किया जा सके डन हो गया जी बात अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ कोटा जी नंबर वन पॉलिटिकल पार्टी कोटा पॉलिटिकल पार्टी कोटा नंबर टू लेजिस्लेटिव कोटा नंबर थ्री रिजर्व सीट्स पाकिस्तान में जो है ये थर्ड जो टाइप है कोटा की ये एप्लीकेबल है स्टेट के लेवल पर अच्छा जी जो पॉलिटिकल पार्टी कोटा होता है ये याद रखेगी ये पार्टी स्पेसिफिक होता है हर सियासी जमात अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए रख सकती है करिए हम पांच फीसद जो नशिस्तें हैं वो खातिन को देंगे और ये वॉलेंट्री होता है अनलेस के दर इज नो लॉ जी लेकिन वो कह लें कि हम अगर उसको मैं स्टेट के हिसाब से बात करूँ ना स्टेट इंशोर यानी कि उसके ऊपर कोई आईनी वो नहीं है नहीं 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 मैं वो बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि जो ये है वॉलेंट्री कि पार्टी खुद से अनाउंस करे वो तो ईसीपी की कंपल्शन है ना पार्टी ये वॉलेंट्री इसीलिए इसका नाम क्या है पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कोटा ये वॉलेंट्री होता है पार्टी खुद से करती है दूसरे वाला जो है ना वो आप जो कह रहे हो वो है लेजिस्लेटिव कोटा के जिसको जिसको बाइंडिंग बना दिया जाए थ्रू लॉ थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इतने परसेंट आपने जो सीट्स हैं वो ए, ए, इस इस तबके को देनी ही देनी और तीसरा रिजर्व सीट्स क्या आप इस सारे चक्कर में ना पड़े आप सीधा सीधा अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही इतनी सीटें रख दें कि जी इतनी सीटों पर आएगा ही कौन है तो पाकिस्तान में जो स्टेट के लेवल पर है वो रिजर्व कोर्ट है बाकी पोलिटिकल जो पार्टीज है वहां पर लेजिस्लेटिव कोर्ट है वॉलेंट्री इन लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं अनाउंस किया हुआ ठीक है रिजर्व सीट्स में की टाइटल लिख लें स्पेसिफिक सीट्स इन पार्लियामेंट और ये सबसे ज्यादा कॉमन है अफ्रीका में एशिया में और मिडिल ईस्ट में जो लेजिस्लेटिव कोटा है ये ज्यादा कॉमन है या मौजूद है ब्राजील फ्रांस एंड इंडोनेशिया और जो पॉलिटिकल पार्टी कोटा है ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और केनिया यहां पर इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कीनियज डेमोक्रेटिक पार्टी है के डी पी कीनियज अपना डेमोक्रेटिक पार्टी ऑस्ट्रेलियाज लेबर पार्टी और कैनेडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अच्छा जी अब आ जाए जरा इनका सपोर्ट के हक में के कौन कौन से फायदे क्या हैं इसके कोटा क्यों होना चाहिए जी नंबर वन जल्दी जल्दी से लिख ये कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है जी दोनों जो हैं बोथ विल बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नंबर वन जी बोथ विल बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जी फिर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ जी तीसरी चीज इट विल फोर्स द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिक्रूट वुमेन इन देयर पार्टीज और उनको लीडरशिप लीडरशिप स्ट्रक्चर में लेकर आना रिक्रूट भी करना और लीडरशिप स्ट्रक्चर में भी लेकर आना जी चौथा आर्ग्यूमेंट है पॉपुलेशन की बेस पर दुनिया में आप जिधर भी चले जाए ना कोई बहुत रेयर कंट्रीज होंगे जहां आबादी का तनासुब अस्सी बीस का है वरना मर्द और, और, और औरत की जो आबादी का तनासुब है वो काफी हद तक बहुत रेयर उसमें डिफरेंसेस होते हैं तो इतनी जो फिफ्टी परसेंट कहीं भी आबादी है तो उसको आप सिस्टम पॉलिटिकल पावर से सिस्टम से एलिमिनेट नहीं कर सकते ठीक है जी उसके बाद ये कोटा इनेबल करते हैं वुमेन को टू एंटर इन टू पॉलिटिक्स एज अ ग्रुप नॉट एज फिर चॉइस हो जाएगी ना जो इलेक्शन लड़ना चाहता लड़ ले नहीं लड़ना चाहता ना लड़े लेकिन जब आप कोटा रखते हैं तो फिर देर इज अ कंपल्शन कंपलशन देर जैसे पाकिस्तान की बात कर ले सिक्सटी वुमेन इन द नेशनल असेंबली ठीक है ना तो फिर वो एक कह लें कि औरत को एक ओपन इन्विटेशन है ना कि एनी वन स्ट्रगल एंड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम जी नेक्स्ट जी सोसाइटी के लिए कंट्री के लिए और पोलिटिकल पार्टी के लिए तीनों के जो इमेज बिल्डिंग है उसके लिए कह लेंगे बहुत अच्छी चीज अभी पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे तो जेंडर इज अ वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव वो मार्कर है जिसके ऊपर किसी बंदे की किसी पार्टी की किसी मुल्क की जो सोच है उसको लोग मेजर करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं ये रियासत कैसी है जी अब जरा लिख लें इसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट्स हैं ये वायलेशन है सीधी सीधी मेरिटोक्रेटिक प्रिंसिपल की मुआशरे में औदार दौलत सब कुछ मेरिट पर तकसीम होना चाहिए तो कोटा का मतलब ही ये है कि मेरिट नहीं है आप एक बंदे को उसकी वो जो पर्टिकुलर कमी है या वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है उस बुनियाद पर सिर्फ देख रहे हैं जी नंबर टू फिर जो विमेनहुड है दैट रिमेन्स द क्राइटेरिया टू बी पार्लियामेंटेरियन यानी कि सिर्फ आप औरत हैं दैट इज योर ओनली मेरिट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम ठीक है फिर तीसरी चीज है कोटा जो है फिर वो एक्सेसिवली एम्पिसाइज करता है सेक्स के ऊपर रादर देन द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी जी नंबर फोर ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल इनिक्वालिटीज होती है यानी कि लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटिजिक मिसाइल हैं उनके बजाय आप इस आल्टरनेटिव ये जो शॉर्ट टर्म प्लान है इसकी तरफ ऐसी फोकस रहते हैं यू डोंट गो फॉर द मोर डीपर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो पाती फिर कह देते हैं जी देखें पहले तो कोटा दिया हुआ है और क्या करें अच्छा जी पाकिस्तान में थोड़ा सा इसका इसके दो तीन एडिशनल मैंने पॉइंट्स देने आपको वो नोट कर लें कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कोटा को लेकर ठीक है इसमें सीधा सीधा एक आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी ही क्या है डायनेस्टिक पोलिटिकल पार्टीज है तो डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को पहले आपने डायरेक्ट पावर दी हुई थी उसके साथ ही आपने उनकी जो वेमेन है उनको भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया थ्रू द रिजर्व सीट्स यानी कि जिस फैमिली में एक एम बनता है और वो इन्फ्लुएंशियल बनता है तो तीन सीटें चार सीटें दो सीटें जो है वो हसब तोफी वो साथ रिजर्व की भी ले आता है ठीक है तो वो खबर इसका नुकसान क्या होता है जो खातन नॉन पॉलिटिकल होती हैं नॉन गलर होती है ठीक है बिकॉज वो वुमेन ऑफ प्रिविलेज होती है ठीक है तो वो जो है वो कोटा की जो असल स्पिरिट है कि फिर मुआरे पूरे से लोग आए ना भले कोई मुंत, गैर मुंतखी भी सामने होना है लेकिन एटलीस्ट खीन की जो नुमाइंदगी है वो फिर मिडिल क्लास से लोअर क्लास से हर जगह से होनी चाहिए लेकिन जो ऑलरेडी पोलिटिकल पार्टीज डायनेस्टिक फैमिलीज हैं फिर वहीं से जो खत है वो वो एंटर हो जाती डनों की बात नंबर टू का मसला क्या है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है डेनेस्टिक ठीक है जो ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर है वो उसके ऊपर डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ जो फैमिलीज हैं, उन्हीं की क्या है डोमिनेंस है तो ये आप इलिटिज्म को ही इंपोज कर रहे हैं